ऑटनोमस ट्रांजेक्शन हैं साल भर में जितनी भी ट्रांजेक्शन की जा रही है एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितनी भी ट्रांजेक्शन कर रहा है चाहे करंट नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का वो सब का सब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन होता है मेन मोटो प्रॉफिट कमाना होता है ये सबसे पहले लिखा जाता है अव द लाइन आइटम होता है और ये इंडिपेंडेंट नेचर का होता है जितना ट्रांजेक्शन करना है करो लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बराबर नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डिसी में है तो उसे बराबर करने के लिए जो भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं कैपिटल नेचर के ही होते हैं क्लास और बाद में लिखे जाते हैं बिलो द लाइन Item, उसे बोलते हैं जो हमेशा ऑटोनोमस पे डिपेंड करेगा एक्टिंग ऑटोनोमस पे डिपेंड करता है ध्यान रखना ये इंडिपेंडेंट होता है ये होता है डिपेंडेंट इन नेचर तो फाइनली क्लास इसके साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट